आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बॉनफायर के साथ। चारों की मम्मी शरद जी बैठे हैं, नीलू है, और आज बहुत ठंडा भी हो गया तो आग जलवाई गई है। भुट्टे भी धोने जा रहे हैं। भुट्टे का सीजन है आजकल पहाड़ में, तो बहुत ही अच्छे भुट्टे हैं। ये भुट्टे हमें ही पड़ोसियों से मिले हैं और बहुत सॉफ्ट ताजे टेस्टी हैं। हाँ, काफी टेस्टी है। और अंगार पे भुने हुए भुट्टे वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत ही अच्छी लाइटिंग दिखती है सामने पहाड़ की। और शरद जी भुट्टे का आनंद ले रहे हैं, कैसे लग रहे हैं भुट्टे? बहुत बढ़िया है, एकदम मीठे भुट्टे मिल रहे हैं हम लोगों को खाने के लिए। ठंड का मौसम हल्का हल्का, और ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सतपुंगा, खपराड, कसिया लेक की पहाड़ियों की लाइट आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज मुक्तेश्वर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और बहुत सुहावना हो रखा है मौसम। आज हम लोग जा रहे हैं भालूगढ़। हमारे साथ हैं शरद, सारिका, गुनगुन, वो भी शहडोल से आए हैं, उनको भी घुमाने लेके जा रहे हैं। कुछ बोलेंगे? आज हम लोग सर के साथ भालूगढ़ जा रहे हैं घूमने। सर ने बताया वहाँ पर झरना बहता है, अच्छा था, तो हम आज लोग आज तो वहीं लंच करेंगे। कड़ी चावल भी, कड़ी चावल बनाया हुआ है। चलिए रास्ते में मिलते हैं आपको। और हमेशा की तरह मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर सामने, एकदम बादल लगे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने घुमाने, कुछ हमारे जानने वाले भी आए हुए हैं, गेस्ट हैं हमारे भालूगढ़। ये पहली बार हम लोग आ रहे हैं और इस साइड के जो व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो अब दिखाएंगे आप लोगों को भी। और अभी कितना दूर है? थोड़ा अभी 3 किलोमीटर है, और कसिया लेक से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है भालूगढ़ वाटरफॉल। चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर व्यू यहाँ से। और गुनगुन की फोटो वीडियो ले रही हैं नीलू, और सब लोग उतर गए कार से देख के कि बहुत सुंदर व्यू है। और भैया भी कुछ कैसे लग रहा है आपको बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बारिश, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब आएगी, और आज बारिश आ ही गई और बहुत ही सुंदर मौसम और बादल उड़ते हुए दिख रहे ऊपर के एरिया में। बारिश शुरू हो गई है और इधर काफी धूप आ रही है, और यहाँ भी शाम तक आ ही जाएगी बारिश मुझे लग रहा है। तो चलो फिर, कुछ और बोलना चाहोगी? हमेशा मैं ही बोलता रहता हूँ, आज बोलो खूब। आज बोलेंगे खूब, दिखाएंगे आगे अपने कुछ अपने होम स्टे के बारे में बता दो। होम स्टे तो हमारा अच्छा, मतलब काफी लोग आ रहे हैं देखने के लिए और अच्छा भी बता रहे हैं। और भैया लोग बताएंगे। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और होम स्टे में रहे हैं, सिंह साहब के उसमें रुके हुए हैं। हम लोग यहाँ 2-3 दिनों के लिए आए थे, और आने के बाद यहाँ जाने का मन ही नहीं किया, और घर जैसा आनंद ही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा हम लोग की घर से बाहर हैं कहीं। और गुनगुन और हम लोगों और मैम और सर ने ऐसा दिया कि जैसे घर का कोई हिस्सा है हम लोग उसी घर के लिए। यहाँ पर गुनगुन को बहुत अच्छा लग रहा है, और गुनगुन को यहाँ का खाना, हम सबको ही खाना बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ रहना बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी नहीं भूलेंगे ये चीज़। गुनगुन को कैसा लग रहा है?
यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। और हम लोग पहुँच गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। बहुत ही अच्छा मौसम भी हो गया है, बारिश आ गई है, बारिश होने वाली है, अभी बादल लगे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। यहाँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या शायद पंचायत है यहाँ की, वो लोग चलाते हैं। यहाँ 60 रुपये टिकट है, टिकट लेके आपको जाना है। और कितने का भैया टिकट? 60 रुपये पर पर्सन। और बच्चों के लिए? 5 साल से ऊपर सब सेम। सर टाइम लगता है यहाँ से जाने में? 20 मिनट। 20 मिनट लगेगा जी। अच्छा। लोग अभी आए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, लेकिन बारिश का लग रहा है। टिकट तो हालांकि हम लोगों ने ले लिए हैं, लेकिन चूँकि बारिश होगी तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो अभी बूंदाबांदी हो रही है, दिखाते हैं आपको। बारिश नहीं हुई तो वहाँ तक जाएंगे, और बारिश होगी तो यहीं से वापस लौट आएंगे, फिर कभी रखेंगे। तो भैया हैं यहाँ, ये बताएंगे टाइमिंग क्या क्या है, कितने बजे खुलता है, क्या चार्जेस हैं? टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, और 60 रुपये पर पर्सन टिकट है। टिकट लगता है जी। और बच्चों का क्या रहता है? बच्चों का 5 साल से नीचे वालों का टिकट नहीं लगता है, 5 साल से ऊपर टिकट लगता है। तो ये पूरे 12 महीने खुला रहता है? 12 महीने खुला रहता है, लेकिन जब ज्यादा बरसात हो जाती है तो तब बंद कर देते हैं। शासन के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से वैसे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज लेके चल रहे हैं आपको एक नई जगह, भालूगढ़ वाटरफॉल। लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई, बारिश हो गई, तो पता नहीं हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी, अभी इंतजार हो रहा है बारिश के चक्कर में। हम भी पहली बार आए थे और हमने सोचा देखते हैं आज कैसा है भालूगढ़। नाम तो काफ़ी अच्छा है और अच्छा फॉल है ये भी। और अब बारिश शुरू हो गई है, अब थोड़ा वेट करते हैं। और निक्की भी आ रही है आज, कोशिश कर रही है निक्की। हेलो निक्कू, कैसा लग रहा है बच्चे को? ठीक है, ठीक लग रहा है। यहाँ आप अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जिपलाइन का पोस्टर मैं देख रहा हूँ, 400 रुपये ये लोग। हम लोग आए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। ये भैया हैं दिल्ली से, आपका क्या नाम है? राशि। और आपका? ऋषभ। ऋषभ, ये घूमने कैसे लगा आपको वाटरफॉल? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत नेचुरल है। यस, पहली बार यहाँ आए हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम। हाईली रिकमेंडेड प्लेस। तो दोस्तों, अभी हम भालूगढ़ के लिए चले हैं, और लगभग 300 मीटर पे ये बहुत ही शानदार झरना आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से काफ़ी ऊपर है। और अभी बारिश भी हुई थी, हालांकि अब धूप निकल आई है।
तो ये भैया मिल गए हमें, ये भालूगढ़ वाटरफॉल जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार गुप्ता, बिहार से आए हुए हैं मुजफ्फरपुर। बिहार से आए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, कुदरत का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम यहीं से वापस लौट रहे हैं, चूंकि निक्की और गुनगुन नहीं चल पा रही हैं। आज हम आए थे भालूगढ़ वाटरफॉल, अचानक बारिश हो गई तो हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, लगभग 200 मीटर पे। कुछ कहेंगे चारों की मम्मी? तो मम्मी पहली बार आए थे यहाँ पे, और आने रास्ते में तो बारिश ही हो गई थी, और थोड़ा निक्की और गुनगुन की वजह से थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही थी। तो छोटा फॉल एक इधर है, तो इसी को देख के वापस जा रहे हैं। तो कुछ लास्ट में कहेंगे चारों की मम्मी? ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।